फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इन दिनों बढ़ती चली जा रही है। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे कर्मचारी ही निरंकुश हो चले हैं, जिसके चलते आम जनता को इस कठिनाई के दौर में परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलती दो तस्वीर सामने आई है, जो इस बात को साबित करती है कि कर्मचारी कितने निरंकुश हैं। पहली तस्वीर एक बच्चे की है जिसे डायरिया हुआ था। उसे अस्पताल से ये कहकर भगा दिया गया कि आपने शिकायत कैसे की, यहाँ ऐसे ही होता है, शिकायत करनी है तो प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। जहाँ से हताश होकर गरीब माता पिता अपने बच्चे को लेकर अस्पताल से चले गए। वहीं दूसरी तस्वीर एक परिजन अपने मरीज को स्ट्रेचर पर कड़ी धूप में ट्रॉमा सेंटर से मेडिकल कॉलेज के वार्ड तक ले जा रहे हैं। बीच की दूरी किलोमीटर में है, पर इन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है। एम्बुलेंस वाला अस्पताल से एक्सरा करवाने तो ले आया, पर जब वापस चलने की बात कही गई तो उसने मरीज को ले जाने से मना कर दिया। लिहाजा चिलचिलाती धूप में तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर से ही ले गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लापरवाही पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं और अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल करते हैं? आखिर बिना इलाज के मरीज के परिजनों को हड़काने का सर्टिफिकेट इन्हें किसने दिया?